किसी ने क्या खूब लिखा है कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। और किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है ये तुम पर निर्भर करता है। हवा को आता है हुनर जलाने का भी और बुझाने का भी, रोशन होना है या राख होना है ये तुम पर निर्भर करता है। परखता तो वक्त है कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में, भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि ये जीवन समय से ही बना है। बस अपने हुनर पर काम करते रहिए, मंजिल अपनी जिम्मेदारी समझकर आपके करीब आ जाएगी। तो इन्हीं कुछ पॉजिटिव विचारों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो देखिए सुबह का टाइम है और झाड़ू मैंने लगा दिया पूरे घर में और चूल्हा भी पोत दिया, तो अब मैं रख रही हूँ दूध गर्म करने के लिए। छोटे हैं, छंडे हैं, छंडे छंडे, तो आ जल्दी आओ। हाँ सवेर होएगो, सोत रहे हो, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग अभी, तेज बोलो, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, बाय। तो आज हम बनाएंगे बूंदी का रायता। तो पहले छाछ बनाएंगे। तो देखिए ये दही और मैं इसकी मलाई हटा देती हूँ, फिर मलाई में से मक्खन निकाल लेंगे और दही की छाछ बना लेंगे रायता बनाने के लिए। तो देखिए मलाई मैंने हटा दी है और देखिए दही, और दही कितना मस्त बना है देखिए आप लोग। तो चलिए अब छाछ बना लेते हैं। चलिए तो छाछ बना लेते हैं जल्दी से, और मक्खन तो निकालना नहीं तो जल्दी से बन जाएगी। जल्दी जल्दी रही चला देते हैं थोड़ी सी। तो छाछ तो बन चुकी है और रायता भी नहीं बनाऊंगी। चलिए थोड़ी देर के लिए अभी छाछ रख देते हैं, उसके बाद रायता बनाएंगे। तो छाछ रख के और एक प्याज लेके मैं आ गई हूँ। तो मैं काट रही हूँ अभी एक प्याज, और ये प्याज मैं लगाने वाली हूँ अपने बालों में। तो आज हम सिर धुलेंगे, तो आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा नुस्खा हम बताने वाले हैं। देखिए आपको ऐसा प्याज लेना है जो रेड वाला होता है। तो आपको प्याज का रस निकालना है, तो आप सिलबटने से भी पीस सकते हैं, मिक्सी से भी निकाल सकते हैं। तो वैसे तो मैं सिलबटने से ही पीस लेती हूँ, लेकिन आज वो मिर्च का रखा था तो इतनी देर कौन साफ करता है इसलिए। तो देखिए प्याज बिल्कुल कंप्लीट है। चलिए अब जूस निकाल लेते हैं। तो आप लोगों ने भी प्याज के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे अचानक से हेयर फॉल होने लगा था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। जो एलोपेसिया बीमारी होती है वो ही हुई थी, मैंने डॉक्टरों से दिखाया था। तो मैंने बहुत दवाई भी खाई और बहुत तेल भी यूज करे, जिसने जो बताया वो सब मैंने किया, लेकिन मेरा हेयर फॉल बिल्कुल नहीं रुका था। जो सिर में सिक्के टाइप से होते वो ही बन गए थे पूरे सिर में। और एलोपेसिया ऐसी बीमारी है जिससे पूरी तरह से गंजे भी हो सकते हैं। तो फिर मुझे पता चला था प्याज के रस के बारे में, और तभी वो मैंने यूज किया था।
तो देखिए अब आप लोगों में दिखा रही हूँ, ऐसे मेरे पूरे सिर में हो गए थे, अब तो ये बहुत कम रह गया क्योंकि मेरे बाल इससे वापस भी आ गए हैं। तो फिर मैंने यही लगाया, मैंने लगातार एक महीने भी नहीं लगाया होगा और मेरा हेयर फॉल बिल्कुल रुक गया। तो जब बाल स्वस्थ होंगे, झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तो बाल लंबे ज़रूर होंगे। तो आप लोग भी इसे यूज कर सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं। और मैं तो सिंपल ऐसे ही प्याज लगा लेती हूँ, आप कोकोनट ऑयल में भी मिला के लगा सकते हैं। तो चलिए मैंने जूड़ा बना लिया और प्याज लगा लिया, चलिए अब चूल्हा जलाते हैं और बनाएंगे रायता। तो चलिए अब बनाएंगे रायता, तो पहले बूंदी बना लेते हैं। तो देखिए ये मैंने ले लिया बेसन और अब इसमें डालेंगे नमक और इसका एक बढ़िया सा घोल बना लेंगे। तो देखिए बेसन मैंने घोल लिया है और चूल्हा भी जल चुका है, तो कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। तो तेल गरम हो चुका है, चलिए अब बूंदी बना लेते हैं। तो आज मैंने प्याज का जूस काफ़ी दिनों बाद लगाया है, जब मेरे बाल झड़ते थे तभी मैंने लगाया था, तब से अब मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते। तो अगर आप लंबे बालों के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो आप इसे रेगुलर यूज करना और एक महीने में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने तो लगातार शायद 2 हफ्ते लगाया होगा, उसी में मेरे बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए थे। तो देखिए बूंदी बन चुकी है, अब इसे डाल देते हैं छाछ में और बना लेते हैं रायता। तो बूंदी का रायता किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है बूंदी का रायता। तो देखिए ये नमक मिर्च मम्मी ने पीसी थी, तो इसमें जीरा हींग डाला और हरी धनिया, हरी मिर्च और नमक। तो चलिए नमक मिर्च मिला देते हैं। तो देखिए नमक मिर्च मैंने मिला लिया है, अब लगाएंगे तड़का। तो देखिए ये मैंने ले लिया तेल और देखिए तेल गरम हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे जीरा हींग। तो अभी जीरा हींग का ही तड़का लगाएंगे, मिर्च मैंने डाल दी है। और तड़का लगाने के बाद फिर इसमें लगाएंगे डड़ा, तो डड़ा को आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताना, वैसे डोंगार भी बोलते हैं। तो देखिए तड़का लग चुका है, अब इसमें लगाएंगे डड़ा। तो देखिए ये कटोरी में मैंने आग रख ली है, अब इस पर ये मैंने डाल दिया जीरा, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है रायता में। और इसमें अब डाल देंगे ये जौ और अब डालेंगे थोड़ी सी हींग और ये डाल दिया मैंने तेल। तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने वाली है रायता में और स्वाद भी दोगुना हो जाएगा। तो देखिए मैंने कटोरी रख दी है, अब इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो चलिए अब कटोरी को निकाल देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, रायता बनके बिल्कुल कंप्लीट है और मम्मी ने आटा भी लगा दिया है। तो चलिए अब जल्दी से रोटी भी बना लेते हैं। तो बूंदी का रायता आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और रायता बन चुका है, चलिए अब बना लेते हैं जल्दी से गर्मा गर्म रोटियाँ। तो खाना तो बन चुका है और अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। तो मैंने खाना बना लिया, अभी खाया नहीं है, पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं और फिर नहाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो देखिए बर्तन साफ़ हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो ये मैंने लिया है क्लेनी प्लस शैम्पू, यही मैं लगाती। तो देखिए मैंने नहा लिया है और अब खाना खाने जा रहे हैं।
देखिए बूंदी का रायता और रोटी तो खा लीजिए आप लोग भी। तो देखिए खाना खा के और मैं लग गई हूँ फिर से काम में। तो चलिए गाय भैंसों को पानी पिला देते हैं, क्योंकि मम्मी पापा हैं खेत पे, फिर वो खेत से भी थक के आएंगे और फिर घर पे भी काम करना पड़े तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं घर का सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। तो गाय भैंसों को पानी पिलाएंगे और उसके बाद बरसीम भी काट के रख देंगे, अभी लाइट भी चल रही है। तो देखिए गाय भैंसों को पानी पिला के अब मैं आ गई हूँ बरसीम काटने, तो अभी काट के रख देंगे शाम के लिए। तो अभी लाइट चल रही है, फिर लाइट चली जाती है तो फिर हाथ से काटना पड़ता है। चलिए गाइस तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।